आत्मा में परम विश्राम होता है। धन में विश्राम थोड़ा होगा, परम विश्राम तो आत्मा में है। आनंद थोड़ा प्राणी पदार्थों में मिलेगा, इन आत्मा परमानंद का धाम है। आत्मा में परमानंद है, आत्मा में परम विश्राम है, आत्मा में परम सुख है, आत्मा में परम शांति है। जब आत्मबोध हुआ रामायण के पात्रों में एक पात्र को, उसने कहा था कि सुखी न भयउ अजहु की नाई, धन के पीछे दौड़े सुखी नहीं हुए। धर्म प्राण माननीय मंत्री जी श्री नरेंद्र नारायण यादव, विधि योजना मंत्री बिहार, उद्घाटन करना था इनको। तो केवल मंत्री नहीं है, स्वभाव से साधु भी हैं, स्वभाव से ईमानदार भी हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। केवल मंत्री समझकर जीवन ज्योति केंद्र इनको आमंत्रित नहीं करता है। एक अध्यात्म प्रायण व्यक्ति, इनके जीवन में जो सादगी है, सेवा की भावना है, कर्तव्य निष्ठा है, वो अनुकरणीय है। कार्याधिक के कारण गुरुदेव की जय। अब वचन इनका था कि हम निश्चित रूप से आएंगे, वचन चूक नहीं जाए, आदि में नहीं, मध्य में नहीं तो अंत में, उद्घाटन नहीं करके कम से कम अपनी उपस्थिति में इस त्रिदिवसीय अध्यात्म महोत्सव के समापन में भाग ले लिए। अब इनके द्वारा इस अध्यात्म बोध महोत्सव का समापन होगा। तो मैंने थोड़ी चर्चाएं आपके सामने की कि संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया। जो छूट जाता है वो सब साधन है, वो सारी मायावी चीजें हैं। गोस्वामी तुलसी ने कहा था कि सुत बनितादि आदि स्वारथ रत, अब मत कर नेह इन्हीं ते। अरे भले आदमी, एक दिन तुम ही तजेंगे पामर, तुम न तजो अभी ते। और प्रेरणा प्रद भजनावली का, विनय पत्रिका का, कि सुत बनितादि आदि स्वारथ रत, मत कर नेह इन्हीं ते, एक दिन तुम ही तजेंगे पामर, ये सब एक दिन तुमको छोड़ देंगे। बुद्धिमानी है कि अब ये से धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। निकाल देने से तो निकल ही जाना अच्छा ना है जी। जहां से हमको उठा देगा उससे पहले उठ जाने में ही फायदा है। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, शांति, स्वबोध, आत्मबोध। आत्मज्ञानं स्वज्ञानं, आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है, आत्मबोध ही श्रेष्ठतम बोध है। यही हमारे जीवन का परम प्रयोजन है। अब धीरे धीरे जितने मंच के इस अध्यात्म बोध महोत्सव के शुभेच्छुक हैं कि कैसे कार्यक्रम सफल हो जाए, समय समय से माननीय मंत्री जी पूछते रहते थे क्या क्या व्यवस्था हो रही है, अब क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। आज वन विभाग के उच्च पदाधिकारी DFO साहब शुरू में नहीं आए, मध्य में नहीं आए, ये सभी महापुरुष इस अध्यात्म बोध महोत्सव के समारोह में नहीं आकर के शुरू में समापन सत्र में आए हैं, और इन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम का अब समापन होगा। धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि मंच एकदम पूर्ण हो गया, राजपुरुष भी आ गए, संत महापुरुष भी आ गए, प्रशासक वर भी आ गया, सारे लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं। इन सारे लोगों की निरंतर सेवा से, प्रयास से, इतनी बड़ी भीड़ है, पुलिस प्रशासन के लोग आकर चारों तरफ से निगरानी कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, कहाँ हल्ला हुआ, कहाँ उपद्रव हुआ, सबको शांत कर रहे हैं। प्रशासकों का भी सहयोग है इसमें,
तमाम भाई बहनों का सहयोग है। मैंने कहा मठ में कुछ नहीं है, मठ के बाहर 5 धूर जमीन नहीं है। एक दिन मैं भोजन कर रहा था, स्टेशन बगल में है, आजकल तो गाड़ियां नहीं चलती हैं, एकाएक बरसाती नदी की तरह 35 लोग आ गए मठ में। 3 प्रकार के लोग आते हैं कि सर्किट हाउस आते आते गाड़ी छूट गले, आप गाड़िए नहीं छे हमके सुत रह बरामदा में, थोड़ा की भला कल के रक्त दलिए रिपोर्ट काल देते हमके तो सुत रह, आ तोरा की भला कल के आल भी गवाही दे ले, 3 के गवाही भले 2 के बाकी छे फिर जेती है एती है। ई कोर्ट स्टेशन और हॉस्पिटल 3 प्रकार के हमारे अतिथि भगवान आश्रम में आते रहते हैं। तो 35 लोग बैठे हुए थे पंक्ति में बद्ध भोजन करने के लिए। एक को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमसे कहता है साहब इसमें जमीन कितनी है। हमने कहा फीता तुमको है, कहा फीता क्या कीजिएगा, हम के हमारे पीठ को नापो यही लंबाई चौड़ाई इस मठ की जमीन है। आखिर आप लोगों का सहयोग है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आर्थिक सहयोग आप लोगों का है, शारीरिक सेवा में तो हमारे आश्रम के लोगों ने तन को लगा दिया है। एक आदमी है सागर दास, जिसको एक बार आप मंच पर नहीं देखे होंगे, एक क्षण के लिए फुर्सत उसके पास नहीं है कि कम से कम 2 शब्द सुन भी तो लें। रात दिन धरती पर पैर उसके स्थिर नहीं रहते हैं। ब्रह्मचारी मिथिलेश जी हैं, दौड़ करके मंच को भी देख लेते हैं, दौड़ को भंडार पंडाल भी देख लेते हैं, आए हुए लोगों की व्यवस्था को देख लेते हैं। हमारे साधु ब्रह्मचारी लोग हैं, एक बार भी आपने नहीं देखा, जिनके प्रवचन को हमारे माननीय मंत्री जी बहुत सराहते हैं, रंजीत जी, आनंद स्वरूप जी, उनके प्रवचन को मंत्री जी बहुत सराहते हैं। एक बार आपके दर्शन नहीं कर पाए, वो उनके दर्शन आप नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी प्रवचन कार्यक्रम होता है वहाँ सीडी बना बना करके बुक स्टॉल पर भेज रहे हैं, सब लोग सेवा में लगे हुए हैं, 2-2, 3-3 ब्रह्मचारी मशीन चला रहे हैं, भोजन की व्यवस्था चल रही है। इस सारे लोगों का योगदान है, आप लोगों का अर्थ योगदान है, हमारे माननीय मंत्री जी का की सद्भावना है, सहयोग भी है। बिना कहे सुने हमारे दिलीप यादव जी पूर्व विधायक उस दिन कहे कि साहब हमरा से कुछ सेवा के काम नहीं कहल गले, तो 12 चापाकल भेज जाए, चारों तरफ पानी का प्रबंध हो रहा है, 12 चापाकल दिलीप यादव जी ने भेजा। हम नहीं कहे थे, हम उम्मीद भी नहीं करते थे, लेकिन 10 क्विंटल चावल भेज दिया, 2 क्विंटल सरसों का तेल भेज दिया। इस सारे लोगों के सहयोग से, आप लोगों का आर्थिक सहयोग, हमारे साधु ब्रह्मचारी कुछ लोग हैं उनका शारीरिक प्रयोग है, शारीरिक सेवा है, कुछ महापुरुष हैं उनकी सद्भावना है, सबका सम्मिश्रित रूप इस समारोह को सफल बनाने में कारण है। तो अपने साधु ब्रह्मचारियों के लिए भी धन्यवाद करूं मैं कि स्वस्थ रहो, सबल रहो, सद्बुद्धि तुम लोगों के अंदर रहे, ऐसा ही सेवा भाव से तुम काम करते रहो, भाई बहनों का जीवन स्वस्थ रहे, आर्थिक समृद्धि हो, या आप भी खाओ कमाओ, ऐसे सत्संग समारोह भी सहयोग करते रहो। हमारे माननीय मंत्री जी तो अपने पद पर लोह कील की तरह पड़े हुए हैं, अपने व्यक्तित्व के बल पर, सेवा के बल पर, चाहे किसी गरीब के बच्चे की छठी हो, या किसी घर में श्राद्ध हो, या किसी के घर में विवाह हो, आ खबर चल जाए नरेंद्र नारायण यादव जी को, तो सबके दरवाजे पर जाकर खड़े रहते हैं। इतने जनसेवी हैं, जनसेवा मालूम पड़ता है, इनके जीवन का महान पर्व है। दुनिया के बाजार में हमने जाने क्या क्या देख लिया, बेच के
के ईमान खोकर आज का मानव चंगा है। गैरत बेच के ईमान खोकर आज का मानव चंगा है। मन में मैल भरा और कहता राम की मैली गंगा है। मन में मैल भरा और कहता राम की मैली गंगा है। किसी ने मस्जिद ऊंची बनाई, किसी ने मस्जिद ऊंची बनाई, किसी ने मंदिर ढेर किया दुनिया के बाजार में। जाने क्या क्या देख लिया दुनिया के बाजार में हमने, जाने क्या क्या देख लिया। किसी ने राम को गले लगाया, किसी ने राम को बेच दिया दुनिया के बाजार में हमने, जाने क्या क्या देख लिया। सच की लाठी वाला अब तो लंगड़ा लूल्हा अंधा है। सच की लाठी वाला अब तो लंगड़ा लूल्हा अंधा है। लूटती लाज लूटते साधु कलयुग गोरख धंधा है। लूटती लाज लूटते साधु कलयुग गोरख धंधा है। घर के ही दीपक ने अब तो, घर के ही दीपक ने अब तो घर में है अंधेर किया दुनिया के बाजार में हमने, जाने क्या क्या देख लिया। किसी ने राम को गले लगाया, किसी ने राम को बेच दिया दुनिया के बाजार में हमने, जाने क्या क्या देख लिया। दुनिया के बाजार में हमने, जाने क्या क्या देख लिया।